छात्रों, व्यवसायिक अध्ययन कक्षा 12वीं के अंतर्गत हम नियंत्रण के बारे में जान रहे थे कि नियंत्रण क्या है। एक व्यवसायिक उपक्रम में किसी लक्ष्य या किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नियंत्रण की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। तो यहाँ हम इस अध्याय के अंतर्गत नियंत्रण की विधियाँ कौन कौन सी हैं और उसकी टेक्निक क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। नियंत्रण की विधियां या तकनीक एक व्यवसायिक उपक्रम पर नियंत्रण स्थापित करती है, अर्थात जो टेक्निक है नियंत्रण की, कंट्रोलिंग की, वो एक व्यवसायिक संस्था में नियंत्रण रखती है। प्रारंभिक तौर पर नियंत्रण की जो है पारंपरिक तकनीक का प्रयोग किया जाता था, जिसमें हम व्यक्तिगत अवलोकन, अर्थात एक व्यक्ति को काम जब वो कर रहा है तो उसको निगरानी रखते थे, उस पर निरीक्षण देखते थे, उसको निरीक्षण करते थे। फिर सांख्यिकी प्रतिवेदन, बजटीय रूप में हम यहाँ पर देखते थे कि उत्पादन कितना लक्ष्य रखा गया था, कितना उत्पादन हुआ इस आधार पर। और दूसरा जो नेक्स्ट है बिना लाभ हानि व्यापार विश्लेषण एवं बजटीय नियंत्रण। चूंकि ये तकनीक आज भी प्रचलित हैं और ये तकनीक इस मान्यता पर आधारित हैं कि बिना अनुशासन के कर्मचारी आलसी, कामचोर अथवा गैर जिम्मेदार हो जाते हैं, अतः उन पर अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रतिबंध लगाना, भय दिखाना, दंड देना आदि आवश्यक है। तो एक व्यक्ति या कर्मचारी बेहतर से बेहतर काम करे, इसके लिए उस पर कंट्रोलिंग रखना, उस पर निगरानी रखना और आवश्यकता पड़ने पर प्रतिबंध लगाना, उसको भय दिखाना, साथ ही दंड का प्रावधान, ये सब आवश्यक है। लेकिन यहाँ पर यह देखा गया कि इस प्रकार के कार्य से, प्रतिबंध लगाने से, भय दिखाने से या दंड देने से कर्मचारी के जो मानसिक विकास है उसमें रुकावट आती है और वहीं उसकी कुशलता भी घट जाती है। अर्थात कर्मचारी के मन में पूरे समय भय बना रहता है कि कार्य यदि बेहतर नहीं हुआ तो ऐसी स्थिति में उसे कोई दंड प्राप्त हो सकता है, तो उसका जो मानसिक डेवलपमेंट है वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, उसकी कार्य जो कुशलता है वो कम हो जाती, बढ़ने के बजाय क्या हो जाती, घट जाती। तो इस विकास प्रबंध के विकास के बाद जो है कुछ ऐसी नई विचारधाराओं का जन्म हुआ जो सूचनाओं एवं आंकड़ों पर आधारित है। ये मानवीय संसाधनों के साथ साथ भौतिक संसाधनों पर भी नियंत्रण रख पाती है। ये तकनीकें जो है आधुनिक तकनीकें कहलाती हैं। तो आधुनिक तकनीक से क्या आशा है कि ये आधुनिक तकनीक जो है नई सूचनाओं और नए आंकड़ों पर आधारित है, जो मानवीय संसाधन अर्थात श्रमिक कर्मचारियों के साथ साथ जो भौतिक संसाधन है, मशीन उपकरण जो भी हैं, उन पर भी ये कंट्रोल रखती है। तो ये जो है आधुनिक तकनीक कहलाती है। तो ये विधियों के अंतर्गत हम आगे देखते हैं। सबसे पहली जो है बजटीय नियंत्रण प्रणाली, बजट के रूप में नियंत्रित करने से संबंधित प्रणाली। नियंत्रण प्रक्रिया को बजट के माध्यम से किया जाता है, जिसमें विक्रय, उत्पाद क्रय, श्रम शक्ति और वित्त आदि से संबंधित बजट बनाए जाते हैं। तो ये निश्चित अवधि के लिए वित्तीय एवं परिणामात्मक रूप में लक्ष्यों का निर्धारण करते हैं। अर्थात बजटीय नियंत्रण के अंतर्गत जो है हम यहाँ पर विक्रय से जुड़े हुए मैटर पर, उत्पादन किस प्रकार से, क्रय कितनी मात्रा में हो, श्रम कितना कार्य कर रहा है, कितनी पूंजी वित्त आदि लगना है, इस संबंध में एक निर्धारित बजट को तैयार करते हैं। और उसके साथ हम परिणामात्मक जो है रिजल्ट भी यहाँ पर निर्धारित करते हैं। तो कुछ समय बाद इन बजट संख्याओं या लक्ष्यों की तुलना में वास्तविक उपलब्धियों से की जाती है। इसके पश्चात हम जो है जो वास्तविक हमें उपलब्धि प्राप्त हुई और पूर्व में जो हमने लक्ष्य निर्धारित किया था, उन दोनों के बीच में हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। अब यहाँ पर यदि उपलब्धियाँ कम होती हैं तो सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं। यहाँ पर जॉर्ज आर टेरी के अनुसार जो इनने परिभाषा दी है, बजटीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा वास्तविक क्रियाओं का पता लगाया जाता है, फिर बजट अनुमान से उससे तुलना कर प्राप्त अंतरों के कारणों का सुधार करके उसे ठीक किया जाता है। इसके उद्देश्य निम्न है। तो बजटीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम जो वास्तव में उत्पादन हो रहा है, जो क्रियाएँ वास्तव में चल रही हैं, उनका हम अनुमान लगाते हैं, फिर जो अनुमान हमने लगाया था और जब लास्ट में हमें परिणाम प्राप्त हुए उनके बीच में हम तुलना करते हैं, जो तुलनात्मक रूप से हमें जो अंतर प्राप्त होता है हम उनके कारणों का यहाँ पर अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर जो कुछ बांध इसका उद्देश्य जो है बजटीय नियंत्रण का उद्देश्य, इसको आप नोट करेंगे, ये बजटीय नियंत्रण के उद्देश्य
उद्देश्य। नंबर एक है कार्यक्रम को स्पष्ट करना, अर्थात जो कार्यक्रम या जो लक्ष्य हमने रखे गए हैं उनको क्लियर करना, उनको स्पष्ट करना। दूसरा जो है विभिन्न विभागों के कार्यों में समन्वय स्थापित करना, जो सभी विभाग एक उपक्रम में आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं उनके बीच में आपस में कोरिलेशन स्थापित करना। तीसरा जो है व्यावसायिक वित्त की व्यवस्था में सहायता प्रदान करना, आवश्यक जो भी पूंजी लगनी है उसको हमें यहाँ पर मदद करना। और चौथा जो है संबंधित पक्षों को व्यवसाय की योजना से अवगत कराना। तो ये बजटीय नियंत्रण के चार बिंदु जो है ये उद्देश्य के रूप में। अब बजट जो है विभिन्न प्रकार से तैयार किया जाता है, जिसमें है विक्रय बजट, अर्थात विक्रय का बजट क्या रहेगा, माल को बेचने के संबंध में जो खर्च होगा उसका अनुमान यहाँ लगाया जाता है। उत्पादन का बजट तैयार किया जाता है, जो माल हमें उत्पादित करना है उसमें राशि कितनी खर्च होगी उसका बजट तैयार किया जाता है। माल बजट में कच्चा माल हमें कितनी मात्रा में लगेगा उसका बजट तैयार किया जाता है। रोकड़ बजट, वही पूंजी बजट, इस आधार पर यहाँ पर हम देखते हैं। और इसके साथ अनुसंधान एवं विकास बजट, अर्थात यहाँ पर उत्पादन से जुड़े हुए जो भी तमाम बिंदु हैं उन सभी बिंदुओं के आधार पर हम यहाँ पर बजट तैयार करते हैं। तो ये बजटीय नियंत्रण प्रणाली। दूसरा बिंदु जो है समविच्छेद विश्लेषण, ये जो है प्रबंध में प्रयोग की आधुनिक तकनीक है। इसमें यह ज्ञात किया जाता है कि किस सीमा तक उत्पादन करने पर हानि होती है और किस सीमा के बाद लाभ होने लगता है। तो स्वाभाविक है कि जब उत्पादन कम मात्रा में होता है तो उत्पादन पर हानि होती है, और जब लार्ज स्केल पर उत्पादन किया जाता है तो यहां उत्पादन पर हमें लाभ होने लगता है। तो सम विच्छेद विश्लेषण हमें यह बताता है कि किस क्वांटिटी तक या मात्रा तक हम उत्पादन करते हैं तो हमें लाभ होता है और किस मात्रा तक हम उत्पादन करते हैं तो हमें हानि होती है। अब यहाँ पर जो बीच में बिंदु है उत्पादन की, वह सीमा जिस पर ना लाभ होता है और ना हानि, वह सम विच्छेद विश्लेषण बिंदु कहलाता है। अर्थात एक सीमा ऐसी आती है कि जिस बिंदु पर ना बहुत अधिक हमें लाभ है ना बहुत अधिक हानि है, वो बिंदु कहलाता है सम विच्छेद विश्लेषण। इस सीमा या बिंदु पर आगम लागत के बराबर होती है, आगम लागत के बराबर होती है, अर्थात जो प्राप्ति हो रही है और जो हमारा एक्सपेंडिचर हो रहा है, लागत आ रही है, वो दोनों क्या होती है, बराबर होती है। तो उस बिंदु पर जो है ना हमें लाभ होता है बहुत अधिक ना हानि होती है, वो है समविच्छेद विश्लेषण। इससे कम उत्पादन करने पर उपक्रम को हानि होती है और अधिक उत्पादन करने पर लाभ होता है। तो समविच्छेद विश्लेषण से यदि हम कम उत्पादन करते हैं, उस बिंदु से कम उत्पादन करते हैं तो हमें हानि होती है, और यदि हम अधिक उत्पादन करते हैं तो हमें लाभ प्राप्त होता है। तो प्रबंधक के लिए नियंत्रण की यह उपयोगी विधि है। यह लागत, विक्रय मात्रा एवं आय के मध्य सहसंबंध बताती है। इस विधि से प्रबंधक जो को ज्ञात हो जाता है कि उत्पादन के विभिन्न स्तरों पर क्या लाभ हो सकता है, और इस जानकारी से वह व्ययों पर नियंत्रण करके लाभ को बढ़ाने के लिए विशिष्ट योजना बना सकता है। तो समविच्छेद विश्लेषण वो तकनीक है जिसके आधार पर हम ये ज्ञात करते हैं कि किस सीमा तक हम उत्पादन करते हैं तो हमें हानि हो रही है, और किस सीमा तक हम यदि के बाद उत्पादन करते हैं तो हमें लाभ हो रहा है। तो यहाँ जो इसके दोनों के बीच का जो बिंदु है जहाँ पर आगम और लागत दोनों क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती, वो समविच्छेद विश्लेषण कहलाता है। अब यहाँ पर इसके पश्चात ही जो है, इस बिंदु के पश्चात जो है प्रबंध जो है वो उत्पादन को आगे बढ़ाता है और ज्यादा मात्रा में उत्पादन करके लाभ को प्राप्त कर सकता है। तो यह समविच्छेद विश्लेषण। इसके बाद लागत नियंत्रण प्रणाली, ये नियंत्रण प्रक्रिया की महत्वपूर्ण प्रणाली है, लागत नियंत्रण प्रणाली। लागत नियंत्रण प्रणाली एक वस्तु के उत्पादन की लागत पर नियंत्रण रखना। यदि हम लागत पर नियंत्रण रखते हैं तो इसका मतलब क्या है कि व्यय कम से कम हो रहे हैं, तो इससे हमारा लाभ जो है वो क्या होगा, उसमें वृद्धि होगी।
तो इसका उद्देश्य जो है लागत को न्यूनतम रखना होता है, कम कम रखना होता है ताकि लाभ अधिकतम हो सके। लागत पर नियंत्रण करने के लिए सर्वप्रथम मानक लागत का निर्धारण किया जाता है, अर्थात कि यहाँ एक इकाई के उत्पादन पर व्यय राशि क्या है, यहाँ पर मानक हम निर्धारित करते हैं कि यदि हम किसी का एक इकाई का यदि हम उत्पादन कर रहे हैं तो उसकी लागत कितनी होना चाहिए, इसके लिए एक मानक लागत का निर्धारण किया जाता है। तो मानक लागत वह है जो सामान्य दशा में उत्पादन करने के लिए पूर्व निर्धारित लागत होती है, अर्थात पहले से हम निर्धारित कर लेते हैं कि एक इकाई उत्पादित करने पर हमें 100 रुपये या 200 रुपये या 500 रुपये खर्च हो रहे हैं। तो यह सामान्य दशा पर हमने तय कर लिया कि पूर्व में ही तय कर लिया कि इस उत्पादन को करने के लिए हमें कितनी लागत की आवश्यकता होगी। तो उत्पादन करते समय ध्यान रखा जाता है कि वास्तविक लागत इसी के अनुसार हो। अब जो वास्तव में जब हमने उत्पादन करना शुरू किया तो वो लागत जो है वास्तविक लागत कहलाती है, वो जो पूर्व में निर्धारित किए उस लागत के अनुसार ही हो, उससे ज्यादा ना हो। कम हो तो और अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा ना हो। तो नियंत्रण के लिए इन दोनों लागतों अर्थात वास्तविक एवं मानक लागत में अंतर ज्ञात किया जाता है। इसके पश्चात यह ज्ञात किया जाता है कि यह अंतर कितना और क्यों आया। पूर्व निर्धारित लागत जो हमने निर्धारित की थी उससे वास्तविक लागत यदि ज्यादा आ रही है तो वो क्यों आ रही है, ये अंतर हम देखेंगे। और जांच के उपरांत जो है अंतर को दूर करने के लिए सुधारात्मक कार्यवाही करेंगे। इस प्रकार लागत को एक निश्चित सीमा में नियंत्रित रखा जाता है ताकि न्यूनतम लागत पर हम अधिकतम उत्पादन कर सकें और अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकें। किसी भी व्यवसायी या उद्यमी का सदैव ये प्रयास होता है कि वो अपने उत्पादन की लागत को कम से कम रखे ताकि अधिक से अधिक मात्रा में उत्पादन कर सके और अधिक से अधिक लाभ वो प्राप्त कर सके। तो लागत नियंत्रण प्रणाली हमें यह बताती है कि किसी भी वस्तु पर के उत्पादन पर जो लगने वाली लागत है उस पर हमें कंट्रोल रखना, उसको नियंत्रित रखना, साथ ही जो पूर्व में हमने लागत निर्धारित की है वास्तविक लागत जो है उससे अधिक ना हो। तो ये लागत नियंत्रण प्रणाली। इसके बाद हम देखेंगे किस्म नियंत्रण प्रणाली, क्वालिटी। किस्म नियंत्रण तकनीक, यहां हम क्वालिटी या वस्तु का जो गुण है उसको हम यहाँ पर ध्यान रखते हैं कि किस्म नियंत्रण तकनीक का आशय उत्पाद की किस्म या गुण को नियंत्रित करने की तकनीक है। इसमें नियंत्रण का जो उद्देश्य निर्धारित किस्म रंग रूप आकार डिजाइन आदि के अनुसार उत्पादों का निर्माण करना होता है। अब किस्म नियंत्रण जो होता है वो मुख्य रूप से किस पर डिपेंड करता है, ग्राहकों की संतुष्टि पर। यदि क्वालिटी अच्छी है तो ग्राहकों को वस्तुएं पसंद आती, यदि क्वालिटी अच्छी नहीं है तो ग्राहक उससे क्या होगा, असंतुष्ट होगा। तो किस्म नियंत्रण का जो उद्देश्य है ग्राहकों को संतुष्ट कर वांछित माल पहुंचाना, जो माल ग्राहक तक पहुंचना है वो क्वालिटी कंट्रोल वाला होना चाहिए। इसके लिए क्या करना है, सतत निरीक्षण की आवश्यकता होती है और यह निरीक्षण कच्चे माल से लेकर वस्तु निर्माण तक की सभी क्रियाओं पर किया जाता है। तो ये क्वालिटी कंट्रोल टेक्निक है, ये जो है जब वस्तु का निर्माण शुरू होता है कच्चे माल से, शुरुआत वहीं से होती है, यदि कच्चा माल बेहतर है तो वस्तु अच्छी उत्पादित होगी, यदि कच्चा माल खराब है तो वस्तु खराब उत्पादित होगी। तो कच्चे माल से लेकर वस्तु जब तक तैयार नहीं हो जाती तब तक की जो सभी क्रियाएं हैं उन पर जो है यहाँ पर कंट्रोल रखा जाता है, तो कहलाता है किस्म नियंत्रण तकनीक। इसके बाद है लागत लाभ विश्लेषण तकनीक। इस तकनीक नई परियोजना के मूल्यांकन तथा उन पर नियंत्रण रखने हेतु प्रयुक्त की जाती है। इसके अंतर्गत जब उपक्रम कई परियोजनाएं जैसे विद्यमान क्षमता का विस्तार, अभी उपक्रम जिस स्थिति में है उसका विस्तार करना और नवीन उत्पाद का उत्पादन का विकास, यदि कोई नवीन नया उत्पादन शुरू करना है तो उसका विकास, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, परियोजनाएं तैयार करनी होती है। ये वित्तीय व सामाजिक दृष्टिकोण से इनका मूल्यांकन किया जाता है। इस प्रकार से विभिन्न आंकड़ों व सूचनाओं का संग्रहण व विश्लेषण करके उस परियोजना से संबंधित लागत ज्ञात की जाती है, विक्रय की स्थिति ज्ञात की जाती है और लाभप्रदता की स्थिति को
का अनुमान लगाया जाता है, संख्यात्मक रूप में लगाया जाता है, इसे हम मूल्यांकन रिपोर्ट भी कहते हैं। तो यहाँ विभिन्न आंकड़ों व सूचनाओं को हम संग्रहित करते हैं, उनको विश्लेषित करते हैं, जो परियोजना हम अपने उपक्रम के विकास और विस्तार से संबंधित प्रारंभ कर रहे हैं, या कोई नए प्रोडक्ट को हम बाजार में लॉन्च कर रहे हैं, उसको डेवलप कर रहे हैं, उसके संबंध में, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, परियोजना में लागत कितनी होगी, उसकी बिक्री की स्थिति क्या रहेगी, लाभप्रदता की स्थिति क्या होगी, कितना मात्रा में लाभ होगा, इसका संख्यात्मक रूप में अंदाज लगाया जाता है, जो मूल्यांकन रिपोर्ट कहलाती है। अतः किसी भी परियोजना के विकास विस्तार के लिए लागतों पर नियंत्रण रखना तथा संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करना लागत लाभ विश्लेषण तकनीक कहलाती है। ये जो है लागत लाभ विश्लेषण तकनीक के बारे में से संबंधित जो प्रश्न है, बष्टि नियंत्रण प्रणाली को समझाइए, सम विच्छेद विश्लेषण बिंदु क्या है इसे समझाइए, लागत व किस्म नियंत्रण प्रणाली को समझाइए, लागत लाभ विश्लेषण तकनीक को समझाइए, साथ ही मूल्यांकन रिपोर्ट क्या है, मूल्यांकन रिपोर्ट इसको भी समझाइए, और लागत लाभ विश्लेषण तकनीक को समझाइए।